सो हेलो गाइस, दिस इज प्राची एंड वेलकम टू एनएम राज। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के नए ब्लॉग में। जी हाँ, मैं आई हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ और आप लोगों से कुछ बातचीत करने के लिए। तो आप लोगों को पता ही है जैसे कि हमारी नई नई कहानियाँ आने वाली है और कुछ तो आ भी चुकी है। आप लोग देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बट जितना ज्यादा हो सके आप हमारी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम आपकी फेवरेट कहानियों को और भी ज्यादा लंबा लेके जाए और भी अच्छी अच्छी तरह के कंटेंट के साथ आप सभी के सामने नई नई कहानियां हम लोग लेकर आते रहे। तो चलिए फिर हमारे आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं दिखाने वाली हूँ आज के बिहाइंड द सीन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, ये है आप लोगों की कहानी विभाग का तीसरा एपिसोड जो कि बनना स्टार्ट हो गया है, यानी कि जल्द ही आपको हमारा एपिसोड देखने के लिए मिलने वाला है। कहानी आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि आप लोगों के लिए सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, केतन और पल्लवी की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है, ये तो आपको हमारे अगले एपिसोड से ही पता चलेगा। नेक्स्ट दिखा दूं, ये बढ़ रही है काका टीवी की कहानी, यानी कि हमारा अमीर दूल्हा वर्सेस गरीब दूल्हा, यानी जो कि आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाली है काका टीवी पे, जिसकी डिटेल्स मैं जो आगे के ब्लॉग में जरूर दूंगी। फिलहाल आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, आज मैं आप लोगों को काका टीवी पे हमारी नई कहानी देखने के लिए मिल जाएगी। तो कहानी मिस मत करना और जरूर देखना कि कैसी लगी। सो दैट्स इट, ये थे हमारे आज के बिहाइंड द सीन। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग की जो है शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएम स्टोरी की। एनएम स्टोरी पे आप लोगों को हमारी नई कहानी यानी कि नागिन का पति नीवला का एपिसोड देखने के लिए मिल चुका होगा, जो कि अपलोड हो चुका है हमारे एनएम स्टोरी पे। नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर जरूर देखिए। कहानी आगे की तरफ बढ़ चुकी है, यानी कि बदले की चीज जो है अब इन लोगों के बीच में आ ही चुकी है, जहाँ पे हमारी नागिन तो भाई अब नीवले को बता ही चुकी है कि हाँ भाई मैं एक नागिन हूँ। वही नीवले ने उस चीज से इनकार कर दिया है कि हाँ मैं कोई नीवला नहीं, मैं भी ना हूँ। यानी कि यहाँ पे जो है ट्विस्ट आ चुका है, क्या सच में नागिन और नीवले के बीच में अब नया प्यार बढ़ रहा है या फिर बदले की भावना बढ़ रही है, दोनों में से वो किस चीज को चूज करने वाले है ये तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो है नागिन और नीवले की बात है, भाई दुश्मनी तो है दोनों में, तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसको देंगे, अपने प्यार को देंगे या फिर अपने बदले को देंगे, क्योंकि दोनों के ही एक दूसरे की काफी पुरानी दुश्मनी रही है। अब इस पे नागिन क्या रिस्क लेती है वो तो आपको हमारे अगले यानी कि फाइनल एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। बता दूं फिफ्थ एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है जो कि अभी बन रहा है और जल्द ही आप लोगों को एनएम स्टोरी पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हमारा ये वाला एपिसोड जाके देखिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, जल्दी आप लोगों के लिए एनएम स्टोरी पे वो भी आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं तो लव सिटी की करते हैं। लव सिटी पे आप सभी लोगों के लिए विवाह का भी दूसरा एपिसोड डल चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके दूसरा एपिसोड भी देखिए, जहाँ पे आप देख ही चुके हैं कि केतन पहुंच चुका है पल्लवी के घर और उसके घर वाले सभी हैरान है कि भाई केतन क्या कर रहा है, क्योंकि पल्लवी कर चुकी है साफ साफ इनकार केतन से शादी करने के लिए। केतन जहाँ उसको अपने दिल की बात इतने प्यार से बोलता है, वहीं उतनी ही गुस्से वाली नफरत की वजह से पल्लवी उसके मुंह पे मना कर देती है, जिसके बाद अब केतन क्या करने वाला है, क्योंकि केतन जो है रही ज्यादा है भाई ना सुनने की, तो उसको कभी आदत ही नहीं हुई, लेकिन एक लड़की ने, एक मिडिल क्लास लड़की ने उसके मुंह पे शादी के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ऑफेंड हो चुका है। अब वो इस चीज को सुधारता है या इस चीजों को और भी ज्यादा खराब करता चला जाएगा, या वो पल्लवी से लेगा बदला, बहुत सारी चीजें जानने के लिए होगी। मैं जानती हूँ आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे, इसका जवाब देने के लिए हमारा तीसरा एपिसोड जल्दी लव सिटी पे अपलोड होगा और जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। तो नेक्स्ट बात करते हैं काका टीवी की करते हैं। काका टीवी पे नई कहानी आप लोग देखने वाले हो जिसका नाम है अमीर दूल्हा वर्सेस गरीब दूल्हा। जी हाँ, भावना की कहानी है और भावना अपने घर में इतना ज्यादा अत्याचार सह रही है, वो भी अपनी सौतेली मम्मी और भाई बहनों की वजह से, जिसमें उसके पापा उसके काफी ज्यादा सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन ये अमीर दूल्हा और गरीब दूल्हा के बीच में कॉन्सेप्ट क्या है और क्या होने वाला है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको देखना होगा एपिसोड 1 जो कि हमारे काका टीवी पे अपलोड होने वाला है, क्योंकि एपिसोड बन चुका है, रेडी हो चुका है और आप लोगों के काका टीवी पे जल्द ही आने वाला है। तो जरूर देखना, मिस बिल्कुल मत करना, देख के जरूर बताना आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा।
वहीं नेक्स्ट बात करते हैं हॉरर सिटी की। हॉरर सिटी पे आप सभी के लिए नई कहानी आज डलने वाली, जिसका नाम है फ्री क्रीपी पास्ता हॉरर स्टोरी, जो कि आप लोगों के लिए हॉरर सिटी पे डलेगी। और आप लोगों को क्या करना है, ढेर सारा प्यार दिखाना है, लोगों में शेयर करना है। जो लोग ऐसी कहानियां, स्कैरी और हॉन्टेड कहानियां देखना पसंद करते हैं, इन लोगों को भी जरूर शेयर करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। कहानी बहुत अमेजिंग है, बहुत डरावनी है और आप लोगों को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए बिल्कुल मिस मत करना, जरूर जाके देखना। तो ये थी हमारे आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल हमारे साथ जरूर शेयर करना। और कल फिर से आएंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप हमारी कहानियों को इसी तरीके से एंजॉय करते रहें और जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए किसको, एनिमराज को।